गांव में आज सौर प्लेट का कनेक्शन हो रहा है जो कि पुराना बोरिंग था उसमें। ये देखिए प्रेशर आज ही पानी स्ट्रक्चर वगैरह भैया जी तैयार कर चुके हैं। पैनल जो है छोटा सा वो उसमें फिट कर रहे हैं। ऊपर देखिए पर पूरी तरीके से फिट हो चुका है। टंकी होंगी सब पैनल वन सब। ये जो है पाइप आया हुआ है दो पाइप, ये पाइप जो आया हुआ है सामने का सीधे यहाँ से एक जो बोरिंग ख़राब था उसमें डाल दिया है। यहाँ पे वायर वगैरह बाहर हुआ है दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे डाल दिया है पाइप। यहाँ से पानी लेगा उठा के सीधे टंकी पे यहाँ पे और सौर पैनल से खींच के वो जो सेकंड वाला जो पाइप है वो जो दिखाई दे रहा है आपको वहाँ से नल के द्वारा बाहर आएगा। अब आपको इसका पैनल भी दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ का ये जो सौर है प्लेट है उसका पैनल यहाँ से इसको ऑपरेट किया जाएगा। जो बोरिंग में जो मोटर लगा हुआ है उसको यहाँ से ये इसका MCB चेंजर और ये यहाँ पे इसका एक मोटर दे ये एंटीना इसको कंट्रोल करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए इसका एंटीना लगा रहे हैं। इसमें यहाँ से इसका पैनल ऑटोमेटिक स्विच वगैरह दिया हुआ है। इसमें ये सॉकेट वगैरह है सब इसमें इसको काट रहे हैं। एक्स्ट्रा जो वायर है उसको निकाल के बाहर कर देंगे फिर इसके बाद इसका कनेक्शन करेगा। ये अभी पाइप का जो कनेक्शन जो वायर को इसी में डाल के लाएगा जो केबल है उसको ताकि टूटे फूटे मत। इसके लिए पाइप ये नाप के काटेगा। अब अच्छे तरीके से नाप के काट रहा है अभी ताकि जो मोटर का केबल है उसको नीचे से ज़मीन के नीचे से लाएँ और किसी चीज़ से नुकसान वगैरह ना हो और सुरक्षित रहे। तो इसके लिए पाइप वगैरह यहाँ से नाप रहे हैं और काट रहे हैं पाइप को। ये काट चुके हैं जिसको नाप के देख रहे हैं अच्छी तरीके से फिट आया कि नहीं आया। इसे थोड़ा सा लगता है थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये केबल उसमें डाल रहे हैं हो गया फिटिंग इसका केबल वगैरह। केबल को नीचे से पहले पाइप में डालेगा फिर नीचे से लाएगा। ठीक से देखिए दिखा रहे हैं आपको केबल को जो पाइप के अंदर डाल दिया है लोहे का पाइप है इससे उसको नुकसान नहीं होगा और केबल सुरक्षित रहेगा। ये घुमा कर इसको टाइट कर रहे हैं केबल को सामने पूरी की तरह लाएगा फिर उसके बाद ये पूरी तरीके से अच्छे तरीके से सुरक्षित होगा। तो इस तरीके से ये सौर पैनल में इससे चूड़ी बनाया जाता है। ये पाइप फंसा रहा है इसमें फंसा के देख रहे हैं चूड़ी बनाने के लिए ताकि पाइप को टाइट किया जा सके। तो ये इसका टाइट करके रख दिए इसको अब तो इसमें चूड़ी बनाएगा फिर इसमें पाइप लगाएगा। ये चूड़ी वाला जो आप देख रहे हैं पीले कलर के डिब्बे में चूड़ी बनाने के इसमें रखा हुआ है अलग अलग टाइप से चूड़ी बनाने के लिए अलग अलग उसका जो चूड़ी बनाने वाला जो मशीन वगैरह है वो ये यहाँ पे पाइप को नीचे डाल रहे हैं केबल डाल दिए हैं पाइप के अंदर से। यहाँ से आप देख सकते हैं केबल निकला हुआ है उसको ये जो मोटा वाला पाइप है वहाँ ये पास से लाएगा पहले इसी तरीके से फिट करेगा फिर उसके बाद लाएगा। सौर पैनल का प्लेट कैसा होता है छोटे वाली नल का वो आपको दिखा देते हैं। डायरेक्ट चलता है ये यहाँ पे ऑटो मैनुअल स्विच लगा हुआ है इनपुट और आउटपुट दिया हुआ है। यहाँ पे एक MCB चेंजर और सॉकेट दिया हुआ है इनपुट और आउटपुट ये दोनों के लिए। देखिए अब अच्छे तरीके से दिखा देते हैं आपको। ये है यहाँ पे इसका जो एंटीना लगा हुआ है ये यहाँ पे सॉकेट लगा के रखा हुआ है एंटीना। भैया जी अभी फिट कर चुके हैं ये नल बन के पूरी तरीके से रेडी हो गया है। ये देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ डोर वगैरह कुछ काम बचा हुआ है इसलिए यहाँ से इसको अच्छी तरीके से एमसील से पैक कर दिया गया है। पैक करने के बाद ये केबल इसको डाल दिया है और टाई से इसको बांध रहे हैं ताकि इधर उधर खिसके ना और ये एक जगह फिक्स रहे। तो उसके लिए यहाँ पे टाई पे टाई का यूज़ किया जा रहा है। केबल अब आ चुका है तो केबल को काट रहे हैं नाप लिया है केबल को डालने के लिए। केबल काटने के बाद फिर छिलेगा फिर ये जो पैनल है जो नल का सोलर पैनल जिसको कनेक्शन करने में बचा ये छिल चुका है पूरा आप देख सकते हैं। तो ये आपको और पास से अच्छे तरीके से दिखा देते हैं। भैया ने उसको छील दिया है पूरी तरीके से। छीलने के बाद ये उसको काट के अंदर घुसा रहा है ग्लेन में। ग्लेन से अंदर घुसा के ये इसको टाइट करने की कोशिश कर रहा है। टाइट करेगा शायद फिर स्टार्ट करके देखेगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो। तो भैया अभी टाइट कर रहे हैं अभी केबल को कनेक्शन करने के लिए। यहाँ से पास से जाकर दिखा देते हैं और आपको अभी सामने है तो इसलिए आपको दिखाई दे रहा है आपको दिखा देंगे। ये है ये वाला सेंसर वाला ये सेंसर के लिए है। केवल तीन वायर दिखाई दे रहा है ऊपर में सेंसर पानी ज़्यादा होगा तो बंद हो जाएगा। ये सौर पैनल का एक केबल इस सौर पैनल की प्लेट से आया हुआ केबल है
अभी अच्छे तरीके से मदद कर रहे हैं भैया। ये है देसी जुगाड़, इसे कहते हैं ऑलराउंडर इलेक्ट्रीशियन। इस तरीके से इलेक्ट्रीशियन अपने दांतों से इसको कनेक्शन कर दिया है ये काट के, देसी जुगाड़ में भैया जी। और आपको दिखा देते हैं ये चालू हुआ कि नहीं, ये देखिए नलना चालू हो गया भैया जी ने अपने दांतों से काट के इसको डायरेक्ट जोड़ दिया चेकिंग करने के लिए। तो पानी आके ऊपर जा रहा है टंकी में, ये निकल रहा है, इसको बंद कर देते हैं अभी कुछ समय के लिए, क्लियर नहीं हुआ है अभी लीकेज है। यहाँ से दिखाई दे रहा है बंद हो गया, थोड़ा थोड़ा आ रहा है पानी, बंद कर दिया अभी, पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है इसलिए। बहुत दूर से दिखा देते हैं भैया, एक जो है ऊपर से नीचे आ रहा है। ये आपको पास से इसका कनेक्शन अब दिखा देते हैं, इसका कनेक्शन कैसे हुआ है। ये दो जो ब्लैक कलर का दो वायर दिख रहा है वो सोलर प्लेट से आया हुआ है, इनपुट है। और उसके बाद आपको दिखा रहे हैं और अच्छे तरीके से, ये दो ब्लैक कलर का वायर है, ये इनपुट है, सोलर प्लेट का वायर है। और एक ब्लैक कलर का जो छोटी वाली वायर दिख रही है वो गया है सेंसर के लिए। अरे जो ये रेड कलर का है ये फेस है, ये दूसरा फेस है। ये जो वायर दिख रहा है पीले कलर का, ये मोटर से आया हुआ है, इसको डमी करके रख दिया है, इसका कोई काम नहीं क्योंकि सिंगल फेस मोटर है। तो दो वायर आर वाई, ये ब्लैक कलर के ऊपर सेंसर के लिए गया हुआ है, यहाँ से एक फेस लिया गया है। ये जो ब्लैक कलर दो वायर दिख रहा है ये ऊपर से प्लेट से आया हुआ है, और यहाँ से एमसीबी से होते हुए सीधा इनपुट दे रहे हैं वो जो इसका स्टार्टर है उसको। अब वहाँ से आउटपुट जो कि रेड कलर का है आपको दिखा रहे हैं, ये आउटपुट यहाँ से सीधे ऐसे होते हुए सॉकेट पर आया हुआ है। ये रेड कलर का फेस है, ये न्यूट्रल है, ये रेड और ब्लू यहाँ से गया हुआ। ये दोनों पैनल के लिए हैं, ऊपर का सोलर पैनल का है मोटी मोटी वाली ब्लैक कलर के। ये इसका एंटीना है, उसको सेंस करने के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है अलग से एंटीना। तो इस तरीके से इसका काम लगभग कंप्लीट ही हो चुका है अभी भैया। ऊपर और कुछ काम बचा हुआ उसके लिए, नट बोल्ट वगैरह ऊपर सब दे रहे हैं। इसको कंप्लीट पूरी तरीके होने के बाद ये चालू करेगा, स्टार्ट करेगा। ऊपर पैनल पर गया हुआ कुछ काम बचा हुआ है, क्योंकि इसका जो ओवरफ्लो का पाइप वो लगाना भी बचा हुआ है, वो भी लगाएगा अच्छे तरीके से, इसको चेक करेगा ये टाइट कर रहा है अच्छे तरीके से, ताकि पानी बाहर ना जाए। पूरी तरीके से चेक करने के बाद ही नल को चालू किया जाएगा, ताकि पानी यहाँ आना भागे, अभी तो आ ही नहीं रहा है। देखिए अच्छे तरीके से कितना मेहनत लगता है बेचारे लोग को। ये यहाँ पे इसका अर्थिंग का काम बचा हुआ था, दादाजी अर्थिंग का काम कर कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि कोई आसमानी बिजली वगैरह आए तो वो नीचे ज़मीन पे चला जाए और मशीन वगैरह को ना पहुँचे। चलिए दिखा देते हैं आपको यहाँ पे तांबे का रॉड को, ये तांबे का तार उस पर लपेट दिया गया है और उसको टाइट करने की कोशिश कर रहा है। ये टाइट हो गया, अब उसको लगा के देखेंगे फिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये कंफर्म होने के बाद उसको असेंबल कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से छोटी वाली सौर प्लेट का बोरिंग में फिट किया जाता है, और इस तरीके से इसका काम कंप्लीट हो गया। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, फिर